हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, देखने के लिए नई वेब सीरीज और फिल्में ढूंढना कितना थकाऊ हो जाता है, जब आप हर हफ्ते रिलीज होने वाले शो और फिल्मों के बेराज को देखते हुए हमेशा कुछ ना कुछ याद करते हैं। तो आपको पूरी तरह से बेस्ट वेब सीरीज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं आपके जीवन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए। यहाँ हम 5 शो और 5 फिल्में लेकर आए हैं जिन्हें आप देखना शुरू कर सकते हैं। Amazon प्राइम वीडियो पर है, Z5 पर है, Netflix पर है, Disney प्लस हॉटस्टार और प्लस Apple TV पर ऑलरेडी स्ट्रीम करिए। ये 5 फिल्में, ये 5 वेब सीरीज आप लोगों को बहुत एंटरटेन करने वाली है इस हफ्ते। हालांकि ये अभी रिलीज नहीं हुई है, ये काफी पहले की है। नंबर 1 पे है रमन राघव 2.0, ये रिलीज हुई है Z5 पर। दोस्तों, रमन राघव ने थंबी, वेलु स्वामी और अन्ना जैसे कई नामों से जाना और 1960 के दशक के दौरान लगभग पूरे मुंबई शहर को घुटनों पर ला दिया था। उनके हमलों के तार ने नागरिकों में इतना भय फैला दिया कि शाम होते होते सड़कें खाली हो जाती थी और लोग अक्सर हथियार उठाकर अपने पड़ोस में गश्त करने लगते। वेल, अनुराग कश्यप द्वारा डायरेक्टेड ये नव नोयर साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म, जिसमें नजर आते नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विकी कौशल और नवोदित सोभिता, ये जितने भी एक्टर्स हैं ये फिल्म की जान हैं। आप लोगों को एक अलग फील देंगे, अलग एक्सपीरियंस देंगे। खासकर सिद्दीकी को थैंक यू कहना चाहिए उनके टाइटैनिक वाले कैरेक्टर के लिए। ये फिल्म आपको परेशान करके और उन भयावह समय को लगभग राहत देने की गारंटी देती है। नंबर 2, द मॉस्किटो कोस्ट, ये है एप्पल टीवी पर। एक कट्टरपंथी आदर्शवादी के बारे में एक राजनीतिक थ्रिलर, जिसे अपने काम के बाद अपने परिवार को मेक्सिको ले जाने के लिए मजबूर किया जाता है। उसे स्ट्रगल करना पड़ता है US सरकार के साथ। द मॉस्किटो कोस्ट सीरीज का पहला सीजन काफी अच्छा है, जिसमें काफी सारी संभावनाएं हैं। इसमें जस्टिन थेरॉक्स लीड रोल में है और ये फिल्म आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। नंबर 3 है जोकर ऑन Amazon प्राइम वीडियो। दोस्तों, टॉड फिलिप्स के जोकर में टाइटैनिक का किरदार निभाते हुए जॉकिन फिनिक्स के शानदार परफॉर्मेंस को फिर से जीवित करे। उनसे कई उम्मीदों के साथ फिनिक्स ने गौतम सिटी के अराजकतावादी की भूमिका निभाई, क्योंकि उन्होंने खुद को एक सड़क के जोकर से पूर्ण क्रांतिकारी के रूप में पागलपन में बदल दिया। हम दर्शकों के रूप में मदद नहीं कर सकते, लेकिन उनके मकसद के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन साथ ही वो उस व्यक्ति से घबरा जाता है जो वो बन गया है। एक साउंडट्रैक जो पूरी तरह से फिल्म के मूड के साथ न्याय करता है। अगर आप फिल्म जोकर देखते हैं तो आपके लिए एक अच्छा दिन बन सकता है। नंबर 4 पे है पंचायत ऑन Amazon प्राइम वीडियो। इसके 2 सीरीज रिलीज हो चुके हैं और दोनों बहुत खतरनाक है, मतलब आपको एक अलग फ्लेवर देंगे जो आप लोगों ने पहले कभी फील नहीं किया होगा। यूपी के गांव में स्थापित इस कॉमेडी सीरीज में नीना गुप्ता और रघुवीर यादव के साथ बहुत ही प्रभावशाली जितेंद्र कुमार है। कहानी शहर के एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे फुलेरा गांव के पंचायत कार्यालय में नौकरी मिलती है। हालांकि वो उस नौकरी से बहुत परेशान है और आगे चलकर उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पाता। आगे चलकर ऐसी बहुत सी घटनाएं घटती है, ऐसे बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें होती है जो आपको पूरी सीरीज देखने पे मजबूर करेगी। गांव की नोकझोंक, लव स्टोरी और खट्टी मीठी चीजें आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और दोनों सीरीज बहुत बेहतरीन है, एक बार तो जरूर देखनी चाहिए, आपका सच में दिन बन जाएगा। नंबर 5 पे है दी ग्रैंड टूर, अ स्कैंडी फ्लिक ऑन Amazon प्राइम वीडियो। वेल, जेरेमी क्लार्कसन, रिचर्ड हैमंड और जेम्स की तिकड़ी वापस आई है आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। उनकी चुनौती नॉर्वे और स्वीडन को पार करते समय आर्कटिक सर्कल के ऊपर रहने की है, ताकि वो फिनलैंड पहुंच सके, ताकि वो अपने घर वापस जा सके। हालांकि ये एक सीधा आधार की तरह लग सकता है। तिगड़ी ये तय करने के लिए उनके बीच सबसे अच्छी रैली कार किसके पास है उन समीक्षाओं को धक्का देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ज्यादातर मजाकिया लेकिन कभी कभी डरावनी स्थितियां होती है। स्कैंडी फ्लिक में वो सब कुछ है जो आप इन लोगों के बारे में प्यार करते हैं। सीरीज भी अगर आप देखते हैं तो आप बहुत एंटरटेन फील करेंगे और एक नई चीज देखेंगे, नई चीज सीखने को मिलेगी, एक नई दुनिया में आप जाएंगे। तो दोस्तों, ये है वो 5 फिल्में, 5 वेब सीरीज जो आपका ये पूरा वीक बना सकती हैं। ये फिल्में आप जाइए देखिए और खुद को एंटरटेन करिए, एक अलग दुनिया में ले जाइए। और अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्या उसमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज।